बीजापुर जिले के मध्य थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोंगूपल्ली से तालागुड़ा जाने वाली सड़क पर निर्माण कार्य करा रहे समाजवादी नेता संतोष पुणे की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। 23 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस घटना स्थल तक नहीं पहुंची थी। परिजनों ने एक पिकअप वाहन को लेकर मृतक के शव को लेने के लिए मरिमल्ला की पहाड़ी पहुंचे। साथ पत्रकारों का एक दल भी पहुंचा। कोंगूपल्ली से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर मरिमल्ला पहाड़ी है, जहां पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था और इस कार्य को संतोष पुनेम करा रहा था। मरिमल्ला से लगभग 7 किलोमीटर की पहाड़ी पर संतोष पुनेम की शव सड़क के ऊपर पाया गया। बताया जाता है कि मृतक को मिनकापल्ली से अपहरण कर कल सुबह मरिमल्ला पहाड़ी की ओर ले जाया गया था और लगभग बीते शाम 4 बजे उनकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही एक जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया गया था और शव के पास माओवादियों ने एक पर्चा छोड़ा था, जिस पर लिखा हुआ था कि सन 2005 में सलवा जुडूम के अंतर्गत संतोष पुनेम ने कई ग्रामीण और आदिवासियों को प्रताड़ित कर उनकी संपत्ति को लूटा था, जिसके कारण उन्हें आज जान से हाथ धोना पड़ा। परिजनों को सूचना मिलते ही उन्होंने पुलिस को सूचना देने के बाद जब मृतक के शव को लेने परिजन मरिमल्ला पहाड़ी पहुंचे तो उन्हें सुबह मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में पत्रकारों के दल के साथ पहुंचकर शव को लाया गया। 11 बजे घर से निकले थे, साइड देख के आऊंगा मरिमल्ला का करके, तो जैसे कि 2 बजे के आसपास पहुंच चुके थे, तो 4-1 बजे के आसपास इनको यहाँ चारों तरफ से आके ड्राइवर लोग जो थे, ड्राइवर या काम करने वाले, उन सबको डरा धमका के वापस भगा दिए, यहाँ से मरिमल्ला जाओ, तुम लोग वापस मत आओ करके। उसके बाद जो थे पापा यहाँ पे, उसके बाद शायद उसी बीच में इनको मार दिया गया। जब वो रात में घर नहीं आए तो हम लोग सब गर्भित होकर फिर रात में सुबह जैसे 5 बजे होके हम लोग यहाँ पे ढूंढने चले आए इनको। जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे सिविल ड्रेस में भी थे जो कि यहाँ से हमको इशारा कर रहे थे कि यार तुम वापस जाओ करके। तो फिर हम लोग डर के यहाँ से वापस चले गए थे। फिर जैसे ही